मित्रों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल भक्ति नेचर टूरिस्ट फिर से आपका स्वागत है। आज पंचमी का दिन है, माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और हम मुढ़ी पार्क स्थित पास गांव के स्थित एक विंध्यवासिनी मंदिर है जहां हम दर्शन करने जा रहे हैं। पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं। मुढ़ी पार से पहले एक कोपेनवा गाँव करके गाँव पड़ता है, दहिहान अपन मेन डोंगरगढ़ खैरागढ़ रोड में जाएंगे तो ढारा के आगे भंडारपुर के आगे एक दहिहान करके गांव है अंदर की ओर। दहिहान से आगे एक कोपेनवा गांव गांव पड़ता है। कोपेनवा गांव से ये जो विंध्यवासिनी मंदिर है वो पहाड़ों पर स्थित है और यहां से लगभग 2-3 किलोमीटर होगा, तो वहां हम दर्शन करने जा रहे हैं। और चैत्र नवरात्रि पर्व 2024 चल रहा है, तो मित्रों आगे हम आपको पहुँच कर दिखाते हैं वहाँ का कैसा माहौल है, नज़ारा कैसा है। नेचुरल है, ऊपर भी मौसम खुल चुका है और बदली है सब तरफ, ये देखिए। और यहाँ से ये साउंड आ रहा है हल्का हल्का, ये देखिए। और ये पहाड़ है, पहाड़ के नीचे में विंध्यवासिनी माँ का होना, विराजमान होना बताया जा रहा है। तो बैठते हैं मित्रों और मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा कैसा है वहाँ का। एक हमारा ये ट्रिप है, इसके बाद हम भवानी मंदिर जाएंगे, आगे इस तरफ भवानी। और नेचुरल है लोकेशन, सब तरफ पहाड़ी है और वादी है और हरा भरा मौसम है। कुछ सफ़ेद रंग के पुष्प खिले हैं, देखते हैं क्या कहते हैं उसे। कच्ची सड़क में आपको ऐसे आना पड़ेगा मित्रों। कोपेनवा गांव से अंदर आते हैं विंध्यवासिनी मंदिर के लिए। ये ऐसा कच्ची रास्ता है और जंगल है सब तरफ, ये देखिए, ये ऐसा जंगल है। तो यहाँ पर एक हमें पक्की सीसी वाला रोड मिला है, आगे कच्ची रोड था लगभग 1-2 किलोमीटर का। और चलते हैं, ये पहाड़ है, पहाड़ के नीचे में माँ विंध्यवासिनी विराजी है, ये देखिए। और पहाड़ों के बीच में हम चारों तरफ कीड़े का आवाज हो रहा है। ये पेड़ में एक कीड़ा बैठा रहता है जो गर्मी के दिनों में अक्सर किरकिर किरकिर करके आवाज करता है, चिल्लाता है, शोर करता है। चारों तरफ उस कीड़े का आवाज आपको सुनाई दे रहा होगा। फिर से कच्ची मार्ग मिला है हमें, पथरीला और कच्ची मार्ग है। मित्रों आखिरकार हम विंध्यवासिनी मंदिर पहुंच गए जिसकी तलाश हमें बहुत दिन से थी। और ये माता का दरबार है, ऊंचे पहाड़ में माँ विराजमान हुई हैं और माँ का हम दर्शन करने जाएंगे और वहाँ का कथा कहानी सुनाएंगे कि क्या कथा है, क्या कहानी है और माँ कैसे विराजी हैं। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो में। तो मित्रों जय माता दी, हम आखिरकार विंध्यवासिनी मंदिर में पहुँच चुके हैं। ये देखिए पहाड़ में स्थित है और वो जो दिख रहा है विंध्यवासिनी मंदिर है। हम पहली बार आए हैं विंध्यवासिनी का दर्शन करने। भवानी मंदिर पीछे छूट चुका है और उससे पहले ये विंध्यवासिनी मंदिर पड़ता है, तो दर्शन करेंगे विंध्यवासिनी का। और विंध्यवासिनी जो है माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, माँ शक्ति का स्वरूप है, माँ पार्वती का ही स्वरूप है। अलग अलग नामों से माता को पुकारा जाता है अलग अलग जगह में। तो मंदिर चलते हैं मित्रों और आपको बताते हैं वहाँ का कैसा माहौल है। जय माता दी। ये विंध्यवासिनी का प्रांगण है मित्रों, जहाँ पर
अलग अलग देवी देवताओं को रखा गया है। ये त्रिशूल है, त्रिशूल के रूप में देवता विराजमान हैं और यहाँ बहुत सारे सफ़ेद और काले झंडे लगाए गए हैं। ये स्वयं काल भैरव है। काल भैरव जो है भगवान शंकर के रूप अवतार माने जाते हैं, रुद्र अवतार माने जाते हैं। और जहाँ शक्ति होती है वहाँ शिव होते हैं और जो शिव होते हैं वहाँ शक्ति होती है। और ये पूरा समस्त प्रांगण है माँ विंध्यवासिनी का, ये जगह है, स्थान है मित्रों, ये मंदिर है। मंदिर का दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला और हमारा थकान दूर हो गया है क्योंकि हम यहाँ पहुँच गए हैं। मौसम बढ़िया है, खुला है, नेचुरल है। जय माता दी। मित्रों जय माता दी। यह ज्योत कक्ष है, ज्योत कक्ष में बहुत सारे ज्योत यहाँ पर जलाया गया है। ये माँ विंध्यवासिनी जो पहाड़ में स्थित है, भवानी से काफ़ी दूर है, वहाँ पर ये ज्योत जलाई गई है। माँ विंध्यवासिनी कहते हैं इसे, ये मंदिर का विंध्यवासिनी कहते भैया। जय राम। क्या नाम है भैया आपके? मनीराम। थोड़ी थी आम से आप तो यहाँ कब से पूजा पाठ होते भैया? 1999 से। विंध्यवासिनी कथे ला और जोत कब से चलाते हैं? 99 से। तो भैया आपके स्वागत है हमारे चैनल में। ये विंध्यवासिनी के कन कथा और कहानी बताओ ना, कैसे कथा कहानी है, कैसे ढंग की है विराजमान हुई से और पूजा कब से होती है? पूजा तो आज सनातन के होते हैं, जैसे हम पीढ़ी पीढ़ी कराता आदि गदर नाम से। हाँ हाँ। तो अभी वो जो मूर्ति है ना वो हाँ। जो कुल है नीचे में हाँ वहाँ वो प्रकट हो। अच्छा, अपने पर प्रकट हो। हाँ, 99 में। अच्छा मैया। हाँ अच्छा। डंबे में एक भी करो छोटे मंदिर बना है जिसे वहाँ एक साल वहाँ रखे जैसे। हाँ। हमें 2000 में ही मंदिर बना के यहाँ स्थापना ऊपर में। ऊपर में तो नीचे में भी पूजा होते हाँ। स्थापना में स्थापना में अभी नहीं करा था, शिव जी के मंदिर बन गया नीचे में। नीचे में अब ये ऊपर विंध्यवासिनी। अच्छा, यही कहानी है कर तब से यहाँ पूजा पाठ होते। हाँ, कुछ कहानी कहिया यहाँ के? अच्छा, तभी माँ के दर्शन करा हूँ अभी है ना, और नीचे भी दर्शन हो जाए। अच्छा, यहाँ के कतिक ज्योति जले हैं यहाँ? 68 सब तीर्थार के मन जलात हुई। नवरात्रि के आने दिन यहाँ भीड़ में रथे भी नहीं आते, रथे देखिया दर्शन करिए मनात हुई। आप पुजारी हो? कहाँ के रही हो भैया आप? अच्छा, कोपे नवा गाँव के ना। ठीक भैया, आपके हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आप ला जय माता दी, जय श्री राम। धन्यवाद भैया जानकारी पर। तो यहाँ पर जोत जलाया गया है मित्रों, 68 यहाँ पर जोत है माता का, अलग अलग मनोकामना जोत कहते हैं इसे। ये देखिए माँ का, हम यहाँ जोत का दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे माँ से कि सबका भला हो, धार हो, कल्याण हो, सब स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे। ये माँ का 68 मनोकामना जोत है, हम माँ से हम प्रार्थना करेंगे सब बढ़िया रहे। आज स्कंद माता की पूजा की जा रही है, पाँचवा दिवस है, माँ पंचमी के रूप में इसे जाना जाता है। माँ स्कंद माता सबकी भला करे, रक्षा करे। पंचमी का पर्व आज नवरात्रि का पर्व है, चैत नवरात्रि पर्व। ये तो खाना वाना बनते तो नेचुरल लोकेशन है मित्रों। ये देखिए पहाड़ के नीचे माँ विंध्यवासिनी विराजी है और 1999 से यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है। पहाड़ों के नीचे स्थित है मित्रों, ये देखिए, और ये विंध्यवासिनी पर्वत के नाम से जाना जाता है इसे। चलो भी आगे बढ़थन और देखथन, हमारे चैनल में आप मन के पुनः स्वागत है। जय माता दी। माँ के लिए फूल तोड़ लेते हैं चढ़ाने के लिए। मित्रों आखिरकार हम विंध्यवासिनी पहुंच गए हैं। ये विंध्यवासिनी जो है माता है और पहाड़ों की देवी है, विंध्याचल पर्वत की देवी है। और हम बहुत दूर से माँ का दर्शन करने आए हैं, पहली बार दर्शन करने आए हैं। माँ विंध्यवासिनी की जय, आदि शक्ति माँ भवानी की जय और माँ स्कंद माता की जय। आज पंचमी की तिथि है मित्रों और हम यहाँ दर्शन करने आए हैं, माता का दर्शन
करके हमें बहुत ही सुकून मिला, क्योंकि बहुत दूर से हम दर्शन करने आए हैं और आसानी से हमें दर्शन हो गया। ये देखिए ये माँ विंध्यवासिनी जो यहाँ पर प्राप्त हुई थी और इसे स्वयंभू कहेंगे, स्वयंभू स्वयं ये माँ जो है कृपा की, चमत्कार की, जिससे पत्थर के रूप ये ग्रामीणों को मिला। तो मित्रों हमने अभी माँ विंध्यवासिनी का दर्शन किया। ये मुख्य मंदिर है माँ विंध्यवासिनी का, जो स्वयं प्रकट हुई थी, स्वयंभू कहते हैं। और कुछ ग्रामीण है जो हमें जहाँ प्रकट हुई थी वो, ये देखिए ये रास्ता है, वो स्थल है जहाँ पर हम देखने जाएंगे कि माँ कहाँ प्रकट हुई थी। यहाँ पर माँ साक्षात विराजी है विंध्यवासिनी के स्वरूप में, ये देखिए। ९९९ से यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है और 1999 में यहाँ विंध्यवासिनी माँ प्रकट हुई थी, वो जगह में हम जा रहे हैं। कुछ ग्रामीण है जो पूजा पाठ करते हैं, यहाँ के पुजारी भी हैं और यहाँ रहने वाले हैं। कोपिनवा गांव, ये गांव है जो मुढ़ी पार के पास स्थित है। ये नीचे इस तरीके से यहाँ पर सीढ़ी बनाए गए हैं। अच्छा यहाँ से प्रकट हुए, मैया यहीं से प्रकट हुए। तो संगवारी हो, नमस्कार, हमारे चैनल में भक्ति रजत टूरिज्म आपके स्वागत है। ये है विंध्यवासिनी पहाड़ी जो भवानी के नज़दीक में है और कोपिनवा गांव जो गांव है वो वहां से बहुत नज़दीक है और मुढ़ी पार जो गांव है पास में है। तो यहां कुछ ग्रामीण है जो माँ विंध्यवासिनी के कथा कहानी बताई कि प्रकट कैसे हुई से। तो भैया हो, जय माता दी और जय श्री राम। आप मल्ला हमर मन के चैनल में भक्ति नेचर टूरिज्म फिर से स्वागत है। ये विंध्यवासिनी जो माता है यहाँ प्रकट हो रही से, आज पंचमी के दिन है, माँ स्कंद माता के आज पूजा होते हैं। तो माँ विंध्यवासिनी के प्रकट होए के कहानी कथा कुछ बताओ भैया, कहाँ प्रकट हो रही से और कब प्रकट हो रही से। माँ विंध्यवासिनी जो हमारे साधु है ना, मणि भारती और एक दयाराम जो गौतिया हमारे गाँव से, उन्होंने यहाँ पर गर्मी के दिन था, और आम लेकर आए थे, अच्छा, यहाँ पर बनाया, और बनाने के बाद में ना भोग लगाने के लिए, मतलब मूर्ति का पत्थर खोजा, मूर्ति जो भोग लगाएंगे वही से भगवान ज्वाला बन के निकल आए। अच्छा, और उन सब ने देखा उसको, तो समझ गए यही भगवान है, और इसी को हम स्थापना करेंगे। अच्छा, इसी को हम जो बनाए हैं उसको भोग लगाएंगे। भोग लगाएंगे 1999 का यह बात है। अच्छा, और हमारे दयाराम जी वर्मा अध्यक्ष था, पहले अध्यक्ष था, अभी 2-3 साल हुआ है, उसका बहुत उम्र हो गया है इसलिए वो छोड़ दिए हैं। अच्छा, और मैं अध्यक्ष दास वर्मा जी हैं, और सचिव घनश्याम वर्मा, और बाकी सभी सदस्य हैं। सदस्य हैं तो इसका मेन हमारे जल है ना, जो कुंड है, वहाँ कितना भी पानी खर्च करो वो पानी कमी नहीं, कभी कम नहीं हुए। अच्छा, हमेशा पानी रहते, हमेशा पानी रहता है, और इसमें ना ज्यादा गहरा भी नहीं, ये सीधा माने पत्थर पर है, और साधु संत कहते हैं यहाँ नर्मदा से कांटेक्ट है। अच्छा, नर्मदा से, नर्मदा माई अमरकंटक से, कांटेक्ट है, ऐसे साधु लोग बोलते हैं। अमरकंटक जो है नर्मदा के उद्गम स्थल माने जाते हैं, तो ओकर कुछ भाग यहाँ है, बुहा के अंदर। तो ये उद्गम स्थल के बारे में कैसे पता चले इसके यहाँ कुंड है? कुंड तो पहले जमाने से है, पहले जमाना है। हमारे जो पीढ़ी है ना, वो है चुहक नाम से। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पानी वानी पिए के नाम से आए, काबर यहाँ पानी रहते के लिए, तो यहाँ पानी पिए हमेशा पानी रहे। अच्छा, हमेशा पानी रहा, और जो जंगली जानवर है ना उन लोग भी यहाँ आकर पानी पीते। अच्छा, अभी भी रात में जंगली जानवर आकर पानी पीते, लेकिन अभी कुंड बना दे तो यह घेरा हो गया। घेरा हो गया। अच्छा, पीछे निकलते ना जंगली जानवर, पानी पीते हैं।
तो संगवारी हो, ये कुंड है जो हमेशा यहाँ लबालब भरे रहते, ये देखो कति जलस्तर है पानी के, और यहाँ हमेशा पानी भरे रहते गर्मी के दिन हो चाहे कहीं के दिन हो। और ये देखो पानी है यहाँ जे में बारह महीना पानी भर रहे, और जंगली जानवर मन आके यहाँ पानी पीते, ये देखो ये भैया मन बता थे। हाँ हाँ, ये कुंड है मित्रों, और ये देखो ये कुंड है, और यहाँ कुंड से पानी धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, जेला जो है जंगली जानवर मन रात में आके या सुनसान समय में आके पी लेते हैं। काबर ये पूरा जंगल है, विंध्यवासिनी के पहाड़ और विंध्यवासिनी जंगल के नाम से इला जाने जाते हैं। काबर यहाँ मैकल श्रेणी हरे, मैकल श्रेणी में ही मंदिर की स्थापना करे गए हैं। तो भैया हो एक बार ये बताओ, यहाँ की कथा कहानी बताओ, कैसे एक महिमा है विंध्यवासिनी के, विंध्यवासिनी नाम कैसे पड़ी थी इला बताओ। विंध्यवासिनी समझ हमारे गोरखनाथ बाबा है ना। हाँ हाँ, वो एरिया में विंध्यवासिनी नाम से कोई विख्यात नहीं है। हाँ हाँ, इसीलिए ना विंध्यवासिनी नाम से इला धरा गया। अच्छा, बाबा गोरखनाथ जो है वाला विंध्यवासिनी नाम धरे है, तब से विंध्यवासिनी के नाम से जाने जाते, तब से पूजे जाते। दोनों नवरात्रि में जोत जलाते हो, मनोकामना जोत के साथ यहाँ विशेष पूजा पाठ हो जाता है। जोत जलाए बार यहाँ ना 1101। अच्छा, देना पड़ता है। हाँ हाँ, अपन मनोकामना, अब मनोकामना जोत जलाते। और कुछ कहानी बताओ भैया, एक कथा वथा बताओ। एक मैं अब समस्या बता दूँ। हाँ, रोड की कमी है। अच्छा, रोड की कमी। हाँ बोलो, रोड की कमी। मैं चाहता हूँ कि ये जो बात है सरकार तक पहुँचे, शासन प्रशासन तक पहुँचे, और ये बात ला वो मन समझे, और भक्त मन भर आदमी मन भर यहाँ रोड बनाए, रोड बनाए। यहाँ ना पूरा एरिया के 50 गांव के लगन है। हाँ, श्रद्धा है। हाँ, और सब गांव के समिति बने हुए। हाँ हाँ, पूरा समिति में हमारे आसपास एरिया के क्षेत्रवासी के यहाँ समिति अध्यक्ष सचिव और सदस्यगण सब रहते हैं। हाँ हाँ, तो हमें विशेष शासन प्रशासन से निवेदन है कि रोड की मरम्मत करे और रोड को अच्छे से बनाए, रोड बना दे, जो कच्ची रोड है वो पक्का कर दे, पक्का करे, बस आ जाए पर जो सुविधा हो जाए, आने जाने पानी पिए में ठीक है। अच्छा, पिए बर नहाए बर खाए बर पानी सब चीज में उपयोग होते हैं, स्वास्थ्य लाभदायक है। अच्छा, स्वास्थ्य के लाभदायक, और यहीं से पानी ना कोई भी तबीयत खराब होने पर यहाँ के पानी का उपयोग किया जाता है। अच्छा, और खेत में डालने के लिए जो बंटी बंटी रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसका भी उपयोग यहीं, जैसे काखनो तबीयत खराब है तो पानी पिए से स्वास्थ्य लाभ मिल जाए। तो ये पानी निकालो भैया, हमन भी थोड़ा थोड़ा पी ले वो है ना। तो बहुत श्रद्धालु भक्त यहाँ नहाने के लिए आते हैं। अच्छा, नहाए से अलग फायदा है, नहाए से पूरा शरीर में ना, हाँ, जो गर्मी अशुद्ध है, अशुद्धि है, गर्मी है, गर्मी है, चर्म रोग है, चर्म रोग, हाँ, सब खत्म हो जाता है। बहुत अच्छा जानकारी दे भैया कि पानी से नहाए से बहुत सारे जो बीमार आदमी है वो यहाँ आए और स्वास्थ्य लाभ ले। हाँ, मेन पानी ही यहाँ का विशेष। अच्छा, विशेष पानी है। हाँ, जेला पिए से और नहाए से जो निरोग है, हाँ, और जो रोगी है वो निरोगी बन सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। तो संगवारी हो, मैं यहाँ सब लगत हो कि यहाँ आओ, और जो स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं वहाँ आए जरूर, नहाए एक बार माता के दरबार में। पिए से ही बहुत सारे बीमारी के नाश हो जाते हैं, और नहाए से चर्म रोग सहित बहुत सारे जो बीमारी है शरीर के वो खत्म हो जाते। तो ये और महिमा है, बहुत पहले से यहाँ पूजा पाठ करे जाते, और माता की महिमा ला तो बखान करना बहुत मुश्किल है। तो आप मन के क्या का नाम है भैया बता दो, आपके भैया बीरेन वर्मा, आपको पिनावा गांव के, आप भैया घनश्याम वर्मा, मैं यहाँ के सचिव हूँ। अच्छा, मंदिर ट्रस्ट के, हाँ, और ये अध्यक्ष है। अच्छा अच्छा, स्वागत है आपके, स्वागत है। और ये हमारे पुजारी है जो, हाँ, मंदिर ट्रस्ट का ये भी है। हाँ हाँ, आपके नाम भैया मनी राम देवदास, ठीक। आप मन के हमारे चैनल में जुड़े से और जानकारी देख ले बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मोर संगवारी राकेश साहू जो मोर साथ आया है वीडियो में, तो ये विंध्यवासिनी की जानकारी दो भैया, बहुत बढ़िया आप मतलब जानकारी दो। सरकार से कहूँ कि रोड ला जरूर यहाँ बनाए यहाँ तक के, और सब भक्त मतलब यहाँ यहाँ आए बार बोलूँ कि जरूर यहाँ आए एक बार दर्शन करे माँ के। काबर विंध्यवासिनी जो मैया अभी पॉपुलर हुए में थोड़ा समय लगी,
धीरे धीरे जो है वो पॉपुलैरिटी बढ़ते तो थोड़ा सा अंदर है मंदिर यहाँ, धीरे धीरे यहाँ से प्रचार प्रसार हुई माँ के, तो जरूर भक्त मन आई। तो वीडियो के माध्यम से कहा तुम्हें यहाँ जरूर आप मन यहाँ आओ। ये पहाड़ है चारों तरफ श्रृंखलाकार मिखलाकार पहाड़ है, मैकल श्रेणी का थेला। ये पर्वत का ही नाम विंध्याचल पर्वत है और माँ भी विंध्यवासिनी है। काबर विंध्याचल पर्वत में विंध्यवासिनी की निवास मानी जाती है। ये संपूर्ण पर्वत जो है विंध्याचल पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। विंध्याचल छोर है, मैकल श्रेणी है। तो संगवारी हो आगे हो दिखा आप लग तो बने रहो हमारे वीडियो में, और ऐसी वीडियो पाए पर हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म जरूर सब्सक्राइब करो। जय माता दी, जय श्री राम, धन्यवाद।